नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। खबर कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के खातौली क्षेत्र के बालूपा ग्राम पंचायत से है, जहां असीता गांव का मामला है, जो कि आज सुबह करीब 8 बजे तेज बरसात होने के कारण मकानों के चारों तरफ पानी भरने से कच्चा मकान गिर गया। गनीमत रही कि घर में रहने वाले व्यक्तियों को किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित परिवार के सदस्य हंसराज गुर्जर ने बताया कि आज सुबह करीब 8 बजे मेरा कच्चा मकान ढह गया, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत सरपंच लोकेश सिंह हांडा को दी गई। सरपंच साहब मौके पर आए और स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। मौका कर कहा गया कि जनप्रतिनिधि व प्रशासन की तरफ से हर संभव सरकारी मदद आपको दिलाई जाएगी। ये मकान किसका है? हंसराज गुर्जर का। कौन से गांव में? आशीदा। और ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? बालूपा ग्राम पंचायत इटावा पंचायत बालूपा। ग्राम पंचायत बालूपा है आपकी? हाँ। और पंचायत समिति है इटावा? तो तहसील पीपलदास है वो आप? हाँ। जिला कोटा? हाँ जी। तो ये आप जब ये गिरा था मकान, उस टाइम उस वक्त पर आप अंदर थे कि बाहर थे? अंदर ही ऐसा। तो किसी को चोट चोटिल वगैरह कोई बच्चे को बच्चा बच्ची जानवर ये टूटे फूटे ये सामान? अच्छा, कोई नुकसान तो नहीं है ना? तो मकान गिरा है केवल? तो ये किस कारण है? ये ज्यादा बरसात के कारण ही गिरा ना? पानी की वजह से गिरा साहब, पानी मेरे इधर से। अच्छा, वो उस साइड से दीवार का पानी आता है? हाँ। तो उसमें कुछ लगाया नहीं आपने? कहीं लगाओ साहब, कटी उठे कोई कौन कटे और लगा। अच्छा, जहाँ वो पानी भी रहो कटे कटे कहीं व्यवस्था करा कि मर वो गिरा तो कहीं पहुँचे। अच्छा अच्छा, ठीक। और क्या नाम से इधर भी इस साइड भी ये देखो, ये देख लो साहब, पानी भरा हुआ है। पछाड़ी भी रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम। आपका नाम? आपका ही है क्या मकान? हाँ, मेरा मकान। अच्छा, है। आपका है। तो ये पानी भरा हुआ है और क्या नाम से रोड तक पानी भरा हुआ है, इस कारण ज्यादा अति बरसात होने का। अच्छा, तो यहाँ आपके पास कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरपंच, कोई उप सरपंच, कोई ग्राम पंचायत कौन नहीं आए थे? सरपंच साहब आए थे? पुलिस का भी देख गया? पुलिस थाना अधिकारी आए थे? पुलिस ही आया। अच्छा, पुलिस वाले आए थे। ठीक, तो ये आज की घटना है? रात की के दिन की? सुबह 8 बजे की। ठीक। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट, कोटा। पानी के तेज बहाव से तहसील पिपलदा मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया हुई क्षतिग्रस्त। थाना अधिकारी ने रुकवाया आवागमन। कोटा जिले के तहसील पिपलदा खतौली क्षेत्र के मदनपुरा गांव के पास तहसील पिपलदा मुख्यालय की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की पुलिया हुई क्षतिग्रस्त। कभी भी हो सकती है जनहानि। स्थानीय खतौली थाना अधीक्षक रामेश्वर मीना द्वारा खतरे को देखते हुए सड़क मार्ग करवाया गया बंद। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट, कोटा। इटावा खतौली क्षेत्र के रामपुरिया धाबाई में चारों तरफ से बरसात का पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, एवं रामपुरिया धाबाई के आसपास के गांव ठिकरदा उदय भानपुरा में मेन रोड से संपर्क कट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसाती पानी से कालीखाल नाम की बरसाती नाला है, जो तेज बारिश के कारण 36 घंटे से भी ज्यादा समय से तेज गति से पानी बह रहा है। इस नाले से उस पार करीब 250 घर के परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर बहते नाले को पार कर मेन रोड पर आते जाते हैं। काका जी, ये कौन सा गांव है? रामपुरिया। रामपुरिया धाबाई। तो ये पानी कब से इस तरह से बह रहा है? चार पांच दिन से। और पूरा गांव इसी पानी से निकलता है यहाँ से? तो इस रास्ते से और कौन कौन से गांव इधर पड़ते हैं? तीन गांव इधर पड़ते हैं। तो ये मुख्य रोड है आपका गांव के अंदर जाने का? यहाँ कितने घर हो गए, कितने मकान हैं इस गांव के अंदर? अंदर 300 मकान है अंदर। अच्छा, तो यहाँ प्रशासन आपकी मदद के लिए आया? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आई? ये रामपुरिया गांव जो ग्राम पंचायत बालूपा में आता है और खातौली क्षेत्र का है, इसका मुख्यालय इटावा कोटा से हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनको
सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए या पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है, जो ये अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव वाले नाले को पार करके और ये मेन रोड पर निकलते हैं जो खातोली मुख्यालय तक पहुंचता है रोड। और यहाँ पर ये रामपुरिया धा भाई का स्कूल है, R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट कोटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।